मैं काफी दूर आ चुका हूँ और इन मुंबई की गलियों में आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो भाई साहब, आज जैसा कि मैं सुबह सुबह उठा तो आज 22 जनवरी है, तो आपको सबको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। निकला तो मैं सोचा चलता हूँ थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफी पुरानी जगह, काफी पहले गया था, बट अभी सोच रहा जाऊँ थोड़ा घूम के, क्या चेंजेस आया कुछ आइडिया नहीं है उधर का, तो फिलहाल चलते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, साले पीछे पड़ जाते हैं, भागने का नाम ही नहीं लेते। अभी फिलहाल मैं स्टैंडिंग करते हुए जा रहा हूँ, घूमने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो रोड इतना अच्छा है नहीं, मतलब इतना भगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खाली घूमने जा रहा हूँ, उस जगह को देखने जा रहा हूँ यार, उस जगह चेंजेस क्या। जय श्री राम। तो आज मैंने थोड़ा कपड़े भी अलग मार के रखे, तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं वो जगह कैसा हुआ पहले कंपेयर में। तो चलो आज निकलते हैं। मजा आया, काफ़ी दिन बाद जा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग जाते थे, हम लोग जब ग्रुप में थे, लाइक आकाश था, अनूप था, तभी हम लोग जाते थे वो जगह पे एक्चुअली फ़ोटो शूट वगैरह के लिए, बट काफ़ी दिन हो गया वहाँ पे जाए, तो सोचा चलता हूँ आज आपको भी घुमा के आता हूँ। तो भाई साहब, तो रोड इतना कुछ खास मिल नहीं रहा है, और सीट आगे डॉगी है, ऐसे ही डर लग रहा है मेरे को, दो तीन बैठे हैं, आराम से चलता हूँ, शांत बैठे आप देख सकते हो, इतना कुछ किए नहीं मेरे को, तो अभी चलते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, निकलते आगे। यही रोड है कि वो वाला रोड है, आइडिया नहीं, सो ये रोड पे जा रहा हूँ, देखते हैं ये रोड पे से आगे कौन सा रोड मैच होता है। आई थिंक ये रोड नहीं है, आगे का रोड था। ठीक है, चलते आगे देखते कैसा है, फिर और आगे चलेंगे, ऐसे फोन लगता हूँ अंदर। तो काफ़ी टाइम होने के बाद मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और इन मुंबई की गलियों में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो आई थिंक लोकेशन पे मैं पहुँचने वाला ही हूँ, मुझे तो थोड़ा याद नहीं आ रहा कि कौन सी साइड जाना है, ये साइड जाना है, ये साइड जाना है, सीधा चलते हैं, देखते रोड कहाँ जाता है। इधर बहुत सारे कुत्ते हैं, गाली पकड़, उनसे क्या पंगा लेना, तो आगे की साइड चलते हैं, देखते हैं कैसा है उधर का जगह। अभी तो रोड में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कुछ दूर आने के बाद मैं जा रहा था, तो भाई साहब लोग मेरे से मिले, तो मज़ा आया। हाय ब्रो, कैसे हो ब्रो? बस भाई फाइन। ये भाई लोग पूछ रहे थे कि मतलब कैसे ब्रेक लगता है, तो मैंने दिखाया मतलब थोड़ा सा, तो मैं फिर निकल रहा हूँ इधर से, देखता हूँ जगह पर जाऊँगा, भाई लोग से मिलेगा। चलो चलो भाई, चलो मिलते हैं। क्या बोल रहे हो, बोलो? देखो इसको चलाने के लिए ना भाई, आपको मेन तो आपके अंदर का डर नहीं होना चाहिए, वो डर चला जाना चाहिए। अगर आपके अंदर डर रहेगा तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतना गिरोगे, बैलेंस से खड़े से खड़े नहीं हो पाओगे, आपको खड़े होने में फिर ऐसा आगे पीछे पैर होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो अगर अंदर जज्बा है सीखने का तो सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। अच्छा लगा, चलो थैंक यू। भाई साहब, मैं जिस जगह पर आना चाहता था फाइनली वो जगह आ चुकी है, काफ़ी दिन बाद मैंने ये जगह पर आया यार, बहुत दिन हो गए, करीबन हो गया रहेगा 7-8 महीना, तो काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या चेंजेस आए ये जगह में, क्या डेवलपमेंट हुआ है, वैसे अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। सुबह सुबह आया, ये देखो ये जगह है, ये जगह LR के नाम से जानी जाती है, एक्चुअली यहाँ पे LR कॉलेज है, ललन तिवारी कॉलेज, ये रहा कॉलेज, तो इसके नाम से ये जगह जानी जाती है, और ये आई थिंक ये क्लब है, तो ये क्लब है, तो ये क्लब के नाम से भी 7-11 क्लब ऐसा कुछ है, तो उसके नाम से भी ये जगह जानी जाती है। तो अगर आपको आना रहेगा तो आप भाईंदर स्टेशन पर उतर के रिक्शा पकड़ के आ सकते हैं, पर्सनल व्हीकल है तो बाई रोड आ सकते हो। आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है, आप भी अगर नियर में भाईंदर के इधर रहते हो तो आपको भी आना चाहिए घूमने के लिए। मैं थोड़ा इधर स्केट करता हूँ, थोड़ा सीखता हूँ, फिर आपको जगह दिखाता हूँ प्रॉपर, फिर यहाँ से निकलेंगे, तो देखते हैं निकलते हैं, आपको जगह दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह वो हल्की हवा
फल की धूप, विटामिन डी मिलना बॉडी को, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मज़ा आ रहा है, इधर रोड भी बहुत अच्छा है, मतलब इधर स्केटिंग सीखने के लिए बेस्ट रोड है। वैसे मैं तो आया हूँ, आपको जगह दिखाता हूँ, मतलब जगह कैसी है उसके लिए मैं आया हूँ स्पेशली। वैसे मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद काफ़ी टाइम। फ़ोटोशूट वगैरह भी लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट किए थे फ़ोटोशूट वगैरह। शूट लेता हूँ फोटोग्राफी का, जिसको मतलब शूट कराना रहेगा तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूँगा या डीएम कर सकता है। तो फिर अगर कराना रहेगा तो शूट वगैरह तो बोल सकते हो आप, और मेरा पेज भी है, मैं डिस्क्रिप्शन अपना पेज दे दूँगा इंस्टाग्राम का, फोटोग्राफी का, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि शूट कराइए, वेडिंग प्री वेडिंग ऑल। आगे तक चलता हूँ, देखता हूँ क्या है, कैसी जगह है, आपको भी दिखाता हूँ। वैसे ये वाली जगह तो बेस्ट है, आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा है। ये वाली आप जगह देखो, ये भी कॉलेज है, इसको एलआर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, मुझे लिखा भी रहेगा, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है थोड़ा। तो भाई साहब मैं घूमते घूमते कुछ इस जगह पे आया हूँ, जो कि जगह अच्छी है, आपको दिखाता हूँ। मतलब अगर आप इधर घूमने आओगे तो आपको थोड़ा तो ब्रेकफास्ट वगैरह या कैफ़े वगैरह तो चाहिए रहेगा बैठने के लिए, तो आपको दिखाता हूँ ये जगह पर कैफ़े वगैरह। तो भाई जैसा कि मैंने यहाँ आके घूमा, इन्जॉय किया, अच्छा लगा मुझे, जगह पसंद आई, अच्छी लगी मुझे, तो आप भी आओ। तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जगह का, लोकेशन किधर है, तो आप ट्रैक करके आ सकते हो। मुझे पसंद आया, अच्छा लगा, स्केटिंग की तो ऐसा लग रहा लग गई आज, बहुत चलाया हूँ सुबह से ही, थोड़ा घर के साइड भी काफ़ी टाइम तक चलाया, फिर यहाँ पर भी आया, चलते चलते यहाँ पर भी चला। तो ये सब जगह बहुत बेस्ट है घूमने के लिए, अगर आपको फ़ोटोशूट वगैरह करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया मुझे घर पर जाने का, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है, फिर दूसरा कोई रूट पकड़ेंगे घर पर जाते टाइम, ये सेम रूट से नहीं जाएंगे, अगर अच्छा लगा तो दूसरा रूट तो तभी जाएंगे, नहीं तो सेम रूट से ही निकलेंगे जो रास्ते से आए हुए थे हम लोग। यहाँ से अभी तो नए लोकेशन पे जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, मज़ा आएगा स्केटिंग से घूमने में। मेन तो आपको लोकेशन मुझे दिखाना है कि मैं कौन कौन सी जगह मुंबई में आप जाके घूम सकते हो, विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी जगह है मुंबई में। अभी तो फिलहाल मैं अपने एरिए के नियर में जो लोकेशन अच्छा अच्छा वहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी मुंबई की साइड जाऊँगा स्केटिंग से, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मुंबई में कौन कौन सी बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी निकलता हूँ मैं, बाबा गाइस।